आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के गांव रूपधनु में पुलिस प्रताड़ना से हुई दोहरी आत्महत्या से पूरा परिवार सदमे में घिर गया है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता परिवार के लोगों को सांत्वना के साथ ढांढस बढ़ा रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा ब्रज क्षेत्र महामंत्री व पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगबीर सिंह तोमर ने पहुंचकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे दो परिवार की होमगार्ड स्वर्गीय प्रमोद कुमार की बेटी सुंदरी और स्वर्गीय संजय कुमार की बेटी सपना राघव को 50,000 रुपए के चेक के माध्यम से धनराशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि पूरी घटनाक्रम की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आरोपी इंस्पेक्टर के विरुद्ध पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है, जल्द ही इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मैं बड़ा वैसे दुर्भाग्य का ये कांड हुआ और उनकी जो संजय है उनका नाम है वैसे उदय प्रताप सिंह, उनकी बेटी है, एक बेटी की शादी हो चुकी है, एक बेटी छोटी है। उस बेटी को आज मैंने अपनी तरफ से 50,000 रुपये उसकी शादी के लिए एक चेक दिया है और जो दूसरे हैं दूसरे भाई जो प्रमोद जी उनकी एक बेटी है वो शादी की होगी, उसको भी मैंने 50,000 रुपये के दोनों बेटियों को मैंने जो दोनों भाई मृतक हैं उनकी बेटियों को सहयोग किया है शादी के लिए। मून न्यूज़ के लिए पवन शर्मा की रिपोर्ट।